पीएम मोदी 56 इंच सीने का दावा करते हैं, हर मुश्किल का सामना करने की बात कहते हैं, लेकिन जब भी कोई मुश्किल आती है तो मौन हो जाते हैं। मणिपुर मामले में कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष 2.5 महीने तक पीएम के बयान की मांग करता रहा। पीएम की चुप्पी टूटी तो संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले पीएम 30 सेकंड ही बोले और इस दौरान वो मणिपुर पर कम, राजस्थान छत्तीसगढ़ पर ज्यादा बोले। आज भी लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो मणिपुर पर चर्चा को तैयार हैं, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि पीएम मोदी इस पर बयान नहीं देंगे क्योंकि जिस विभाग का विषय है उस विभाग का मंत्री जवाब देगा, यानी गृह मंत्री अमित शाह ही चर्चा का जवाब देंगे, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने फिर पीएम मोदी को घेर लिया है। अमित शाह के बयान पर उन्हें करारा जवाब देते हुए कांग्रेस ने कहा, अमित शाह ना तो आप नेता सदन है ना प्रधानमंत्री, सदन में चर्चा के लिए आपके तैयार होने से क्या होगा, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो रणछोड़ क्यों बने हुए हैं, वो सदन से क्यों भाग रहे हैं, वो मणिपुर पर 78 दिन तक चुप क्यों रहे, वो शांति की अपील क्यों नहीं कर रहे, वो मणिपुर की तुलना बाकी राज्यों से क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस ने शाह को जवाब तो दिया है, साथ ही पीएम मोदी के मणिपुर पर ना बोलने को लेकर उन्हें रणछोड़ तक कह दिया। साफ है विपक्ष की घेराबंदी से बीजेपी मणिपुर पर पीएम मोदी की खामोशी टूटती नहीं दिख रही है, लेकिन पूरी दुनिया इसे खामोशी से नहीं देख रही है। भारत को दूसरे देश नसीहत दे रही हैं। अमेरिका लगातार मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर भारत सरकार को चेतावनी दे रहा है और एक बार फिर उसने मणिपुर पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने कहा है कि मणिपुर की 2 महिलाओं के उत्पीड़न का वीडियो बेहद चिंतित करने वाला है। सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके इस वीडियो में दुनिया भर में मोदी सरकार की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना पर सवाल पूछे जाने पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये घटना बेहद डराने वाली है। उन्होंने पीड़िता के प्रति संवेदनाएं भी जाहिर की है। प्रवक्ता ने कहा कि मणिपुर में जारी विवाद का सबको साथ लेकर शांतिपूर्ण हल निकालने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने भारत सरकार से भी अपील की है कि सभी लोगों, घरों और पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बीबीसी ने भी इसे लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। एक पीड़ित युवती की मां ने बीबीसी को बताया कि उनकी बेटी को घर के सामने से उठाया गया था, बाद में घर के सामने फेंक कर चले गए। साथ ही धमकी भी दी गई कि अगर हम इस बारे में बोले तो वो मेरी बेटी की जान ले लेंगे, लेकिन बाद में घटना का वीडियो वायरल हो गया। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के समाचार संस्थान एबीसी ने भी पीएम मोदी पर तीखी टिप्पणी की है। एबीसी ने कहा कि बीजेपी शासित राज्य में हुई इस घटना पर पीएम मोदी ने तभी चुप्पी तोड़ी जब महिलाओं के उत्पीड़न का वीडियो वायरल हुआ। ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने मणिपुर में जारी हिंसा पर विस्तृत रिपोर्ट में लिखा है कि मणिपुर की यात्रा न करने को लेकर नरेंद्र मोदी की आलोचना हो रही है। रिपोर्ट कहती है कि हिंसा लगातार बढ़ने के बावजूद केंद्र की बीजेपी सरकार ने चुप्पी साधे रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिमा लंबी सार्वजनिक चुप्पी और मणिपुर का दौरा करने से बचने के लिए उनकी आलोचना भी हो रही है। साफ है कि मणिपुर मामले में दुनिया भर में भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने आज वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के सर्वे को लेकर अहम बात कही। शीर्ष कोर्ट ने मस्जिद में एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई शाम तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक कोई सर्वे नहीं कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस दौरान अगर मस्जिद कमेटी चाहे तो वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकती है। वाराणसी की अदालत ने मस्जिद में एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई को जब सुनवाई शुरू हुई उस वक्त एएसआई की टीम ज्ञानवापी में सर्वे कर रही थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हो रहा है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद में खुदाई नहीं हो रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में 1 सप्ताह तक खुदाई का काम नहीं कराने की बात कही। फोटोग्राफी और रडार इमेजिंग के जरिए सर्वे कराने की बात कही गई। एएसआई की ओर से कहा गया कि हम लोग केवल सर्वे का काम कर रहे हैं। अंजुमन कमेटी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने बेंच से कहा, शुक्रवार को सर्वे का आदेश दिया गया, हमें अपील का मौका नहीं मिला और सर्वे शुरू हो गया। आदेश में खुदाई लिखा है तो हमें अपील का मौका मिलना चाहिए। जब इस तरह के मामले में पहले ही एएसआई सर्वे के आदेश पर रोक लगी है तो दूसरे मामले में एएसआई सर्वे की इजाजत कैसे दे सकती है, आखिर इतनी जल्दी क्यों? 15वीं शताब्दी से यह स्थान मस्जिद रहा है, 400 साल तक इस पर कोई विवाद नहीं उठा, अब क्यों विवाद उठाया जा रहा है? मुस्लिम पक्ष ने सर्वे में बहिष्कार का बचाव किया।
अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई की जानकारी प्रशासन और एएसआई की टीम को पहले ही दे दी गई थी। साफ किया गया था कि कमेटी का ध्यान सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर रहेगा। सर्वे में कोई भी